हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो यहाँ पे मैं थोड़े लो एफर्ट कंटेंट बनाता हूँ, पर कुछ अच्छी बातें भी बता देता हूँ ताकि इस वीडियो का थोड़ा वर्थ बढ़ जाए। तो आज हम लोग हेयर कलर, मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड जो है बी ब्लंट, इसको रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हेयर कलर का आपके बालों के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। कि कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज हेयर केयर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्किन केयर, नाउ आई एम टेलिंग यू टू कलर योर हेयर। पहले देख लो आप लोग मेरे बाल को करीब से, यू कैन सी सम ग्रे हेयर ओवर हेयर, राइट? तो हाँ, ये कॉस्मेटिक इंस्टाग्राम के पीछे बहुत सारे वाइट लाइन्स छुपे हुए हैं जो आप अभी देख पा रहे हो। एंड पतला हो गया ना, जिम नहीं जा पा रहा ना सर्जरी की वजह से। दुआ करते रहो जल्दी ठीक हो जाओ। तो कमिंग बैक, तो ये ब्रांड कुछ स्पॉन्सर तो नहीं है, ये इट्स जस्ट कि मेरे बाल पे सूट करता है और मेरे बाल पे ऐसा नहीं, इस ब्रांड के सारे कलर सूट करते हैं, बस ये हनी लाइट ब्राउन सूट करता है, ठीक है? तो आप बेसिकली अगर इसका रिव्यू देखना चाह रहे हैं, पहले आप एक चीज़, दो तीन चीज़ समझो। किसी भी कलर को चूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नेचुरल हेयर कलर क्या है। मेरा, आप देखो, मेरा लाइट ब्राउन है, तो आपको लाइट ब्राउन के अराउंड कलर अपने लिए चूज़ करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको ऐसे केमिकल वाले चीज़ें नहीं लेनी है जो कि बहुत हार्श हो, ये उतना अच्छा कवरेज नहीं देता है। पर आपको ये बात समझ लो, जो कम कवरेज देगा वो कम हार्म करेगा बाल को। तो क्या ये मेरे बालों को हार्म कर रहा है? कर रहा है। पर एक चीज समझो, जब बाल पे आप एक लेयरिंग लगाते हो ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनता है। तो आप जैसे धूप वगैरह पे निकल रहे हो या डस्ट पॉल्यूशन में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बचा भी रहा है। तो हेयर कलर से अगर आपको बचाना अपने बालों को, तो रूट्स पे मत लगाओ और कम अमाउंट में लगाओ। एक महीना के फ्रीक्वेंसी में एक बार से ज़्यादा मत करो, ब्लीचिंग एजेंट वाले कम करो। तो इट्स जस्ट कि इट विल डैमेज, बट कलर तो करना चाहिए यार, अगर आपको अपने बाल को सुंदर करना है। और इट गिव्स ग्रेट कंडीशनिंग, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब आप लोग ऑब्वियसली रिव्यू के लिए आए हो, तो मैं रिव्यू बताता हूँ। कुछ और चीज़ों का ख्याल रखो, लाइक दिस इज समथिंग विच यू शुड हैव टू कलर योर हेयर। ये मैंने जुगाड़ से कर लिया, ये पूरा सेट आ जाता है 100-150 का, तो वो खरीद लेना, बेस्ट रहेगा। और ऐसे लोहे की चीज़ों पे मत करना बेस्ट है कि ग्लास का कोई बाउल ले लो, मेरे पास यही था तो मैंने ये ले लिया। तो अब इसका मैं कंटेंट दिखाता हूँ यार, इसमें क्या क्या रहता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट रहता, तो मैं एक वीडियो में ही करने वाला हूँ सब कुछ। तो एक ये लीफेट है, जिसको शायद ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। और फिर ये आपका डेवलपर है, ये आपका कलरेंट है, और ये एक हेयर टॉनिक है जो कि एक अलग चीज़ है, बी ब्लंट में मिलता है। तो इसका क्या कुछ फ़ायदा है? तो है, इट रियली गिव्स अ गुड शाइन। डेवलपर क्या होता है और कलरेंट क्या होता है? मिक्सचर बनता है जिससे आप बाल कलर कर पाओगे। जैसे कि आप कलरेंट अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो आपका कलर ज़्यादा डार्क होगा, आप डेवलपर ज़्यादा डालोगे तो कवरेज ज़्यादा होगा। इट्स गुड कि आप बैलेंस में लो, अगर आप इसका 20% ले लो तो इसका 20% ही लो। तो मेरा क्या रहता है, मैं कभी भी ट्राई करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही बाल को कलर करो। थोड़ा बहुत ग्रे दिखते से वो नेचुरल भी लगता है और कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देख लो यार, थोड़ा मैं लगा निकाल के आपको दिखा देता हूँ। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, पर क्या बताऊँगी, ऑफिस भी जाना तो थोड़ा मैं रह। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 30% के आसपास निकाला है, तो ये मुझे अंदाज़ा हो गया क्योंकि मैं हमेशा से इसी ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको जो भी ब्रांड सूट करता है, आपको भी उसका अंदाज़ा हो जाएगा कुछ बार के बाद में। और थोड़ा बहुत अगर कलरेंट या फिर ये डेवलपर ज़्यादा लग गया तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, चलता है। ये है इसके पीछे, आप पिन से इसको कर लो अब आराम से। इस वाले में ख्याल रखना कि इसको आप ज़्यादा प्रेस करोगे ना, तो निकलने के बाद ये क्या होगा, निकलते रहेगा। इसको आप बहुत माइंडली प्रेस करना, क्योंकि ये टीन का पैकेट में आता है। मैं ट्राई क्या करता हूँ कि कलरेंट थोड़ा सा डेवलपर से ज्यादा रहे तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कलर, मेरे बाल के कलर बहुत लाइट है, दैट्स व्हाई। अब आपके बाल के कलर अगर आप बिल्कुल तांबे के तार के जैसे हैं, तब आप थोड़ा ऐसा ब्रांड चूज करना जिसके कलर घुस पाए आपके बालों के बीच में। मोस्टली जिनके तांबे के बाल होते हैं, उनके ना बाल कलर करने जरूरत नहीं पड़ती, वो खाली ही रहते हैं, तो लकी यू। अब आता है टॉनिक, देख लो दोनों कितना कितना डाला है मैंने। थोड़ा सा कलर इन ज़्यादा दिख रहा होगा आपको डेवलपर से, वैसे ही कुछ डाल लो। टॉनिक की बिल्कुल आपकी मर्जी वाली चीज़ है यार, मैं इसे डालता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 प्रेस आप रख लो।
लास्ट तक ही खत्म हो ही जाता मेरे से। तो ये हो गया सारे चीज़ें बिल्कुल। अब क्या करो, वापस से बॉक्स में इज्जत से सब कुछ रख दो। अब देखो ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, तो इससे ही मैं मिक्स कर लेता हूँ लाइक दिस। मैं बताऊंगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोलेंगे कि आप हेयर कलर मत करो जब तक उनको कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, यू कैन डेफिनेटली डू हेयर कलर। आप इतना ख्याल रख रहे हो उसके, इतना प्यार कर रहे हो, तो हेयर कलर कर ही सकते हो। पर वो सब चीज़ें मत जाना यार, हरा पीला नीला हर हफ्ते कलर करना है, सेमी डाय परमानेंट डाय, उन सब चक्कर में नहीं। ज़रूरत भर करो, मतलब नेचुरली बाल काले या ब्राउन ही होते हैं ना, तो फिर आप उसके करीब जाना चाह रहे हो, मतलब नेचुरल चीज़ें से जितना दूर जाना चाहोगे उतना तकलीफ होगी आपकी बाल को, ऐसा समझ लो। मिक्स इट। अनदर इंस्ट्रक्शन, बहुत लोग क्या करते हैं कि शैम्पू करते हैं, फिर उसके एक हफ्ते के बाद करते हैं हेयर कलर, दैट इज ऑल्सो नॉट ए नाइस आइडिया। आपको ट्राई करना है कि आप हेयर कलर करो, जैसे आपने कल शैम्पू किया तो आज हेयर कलर कर लो, या फिर उसके दो दिन बाद हेयर कलर कर लो। देखो ये खुद भी बोल रहा है कि इनका ब्लैक कलर पे क्या रिजल्ट आएगा और ब्राउन पे और ग्रे पे क्या रिजल्ट आएगा, ब्लैक पे बोल रहा कुछ नहीं आएगा, खुद इसने हार मान लिया। हालांकि हमारे जो मिक्सचर, इसको 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से ज़्यादा मत छोड़ो, क्योंकि यार दिस आर केमिकल्स, पता नहीं क्या बन जाएंगे ज़्यादा छोड़ दोगे तो। जल्दी से इसको कलर अपने बालों पर लगाना शुरू कर दो, बहुत केयरफुली लगाना, आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए, और ऐसे रिकॉर्ड करते हुए तो मत ही लगाना, क्योंकि अगर आप पहली या दूसरी बार कर रहे हो तो। अब देखना तुम इसका यूज़ क्या है, कॉम का क्या यूज़ है, आप इसको लगाए और अपने बाल को पीछे करते जाओ, तो दिस इज़ लाइक वेरी नाइस थिंग यार। मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ जनरली, और बिल्कुल नाई की तरह। पैच टेस्ट भी एक चीज़ होता है, आप वो कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी भी ब्रांड के ऊपर, या पहली बार हेयर कलर करने वाले हो तो, ठीक है। और लगाते लगाते ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको अपने बाल को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है ऐसे कलर करके, मैक्सिमम 30 मिनट्स, ऐसा जनरली कंपनीज 15 मिनट ही बोलती हैं, पर 15 मिनट में कलर बाल पर चढ़ता ही नहीं है इंडियन हेयर्स के ऊपर, पता नहीं क्या सीन है इनका। तो आप एटलीस्ट 20-25 मिनट छोड़ना, और मैक्सिमम 30-35 मिनट्स। एक चीज़ और होता है हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, कि हमारे पास बाथरूम एक ही होता है, हम लोग जनरली ये सारी हरकतें ना फ्राइडे को करते हैं जिस दिन सबको नहाना, सबको कपड़े वपड़े धोने रहते हैं, और फिर हम लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं कि बाल कलर किया हुआ मैंने, और बाहर में हम लोग खड़े हैं। तो आप वैसा ना करो कि आपको 1-1.5 घंटे तक ऐसे हेयर कलर लगा करके बैठे रहना पड़े, फिर बाद में आप कंप्लेन करोगे कि आपकी हेयर डैमेज हो गई, आपकी हेयर फॉल हो रही है। मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशली। मेरा बचपन से ही हेयर थोड़ा कम था बाकी वो कंपैरिजन में, मुझे तो लगता है वक्त के साथ मेरा इम्प्रूव हो गया हेयर लेंथ एंड हेयर की सारी चीज़ें। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपको फोकस करना है जल्दी से इसे पूरे बालों में लगा लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधे घंटे में बाल में ही लगा रहे हो, कि एक तरफ आपका कलर, फिर आप एक तरफ आधे घंटे के लिए छोड़ा, एक तरफ 1 घंटे के लिए छोड़ दी, क्योंकि आपने आधे घंटे में कंप्लीट ही किया प्रोसीजर। थोड़ा वैक्सीन वगैरह इधर लगा लेना अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, नहीं तो फिर वो लग जाएगा, थोड़ा ही बच रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको डाउट है कि मेरा ज़्यादा ग्रे हेयर है, वहाँ पे आप एक बार डबल कवरेज भी कर सकते हो, एंड आई थिंक ये हो गया खाली, तो हम लोग इसे इंस्टेंटली धो के रख देंगे, दैट्स द मैनर। चलो अब हो गया, एंड 15-20 मिनट के बाद मैं चले जाऊँगा बाल धोने के लिए। उससे पहले मैं कुछ मिथ्स और बस्ट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शैम्पू नहीं कर सकते आफ्टर हेयर कलरिंग, या फिर कंडीशनर नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कर सकते हो, माइल्डली करना थोड़ा, क्योंकि आप कल परसों ही शैम्पू किए हो तो आपको बहुत हैवी शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि शैम्पू मत करना, क्योंकि आपके रूट में कुछ ना कुछ तो गए होंगे हेयर कलर, ज़रूरी है कि उसे आप साफ़ करो, अच्छे से रूट को क्लेंस करो। ट्राई करो कि आज शैम्पू नहीं क्लेंजर यूज़ करो, क्लेंजर शैम्पू में क्या फ़र्क है उसके लिए मेरा हेयर केयर रूटीन का वीडियो देखो, ये लो एफर्ट वीडियोस भी देखो, पर सारे वीडियोस देखो, सब में बहुत मेहनत होती है, एंड रिज़ल्ट दिखाते हैं फटाफट, उसके बाद एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लेते हैं, उस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ और फिर से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से धोना है,
क्योंकि इसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं और आप जब नेक्स्ट टाइम हेयर कलर करोगे तो यही पार्टिकल्स क्या होते हैं कि वापस से आपके बालों पे लगते हैं, और समझ रहे हो ना इसका कंपोजिशन क्या से क्या हो गया, तो ऑब्वियसली नुकसान करेगा, तो अच्छे से धोना इसको। तो हाय गाइस, वेलकम बैक, एंड मैं नहा लिया हूँ। और आप पहले तो कवरेज देखो, अच्छे से देख पा रहे हो ना, तो देख सकते हो कलर कितना प्यारा चढ़ा। मैं बाहर इसलिए आ गया सो डेट आप अच्छे से लाइट में देख पाओ। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बी ब्लंट ऑन समबडी हुज हेयर इज लाइट ब्राउन नेचुरली। ठीक है, तो आप अपने हेयर कलर के हिसाब से अपना हेयर कलर चूज़ करो, और अगर बी ब्लंट ही चूज़ करना है और आपके पास डार्कर हेयर है तो आई विल से कि आप डार्क ब्राउन चूज़ करो। ब्लैक मत चूज़ करना, क्योंकि आपको लगता है आपका बाल ब्लैक है, पर देखो ब्लैक ये होता है और बाल का कलर ये है। फ़र्क दिख रहा है, तो फ़र्क को समझो। पैदा भी कुर्ता कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। एंड चलो ठीक है, आई थिंक ये रिव्यू हो गया। क्वालिटी ऑफ कलर एंड सब चीज़ के हिसाब से मैं बी ब्लंट को ऑब्वियसली 8.5 दूंगा, क्योंकि हमेशा से यूज़ करते आ रहा हूँ यार, बहुत अच्छा है। एंड आज अलविदा जुम्मा की नमाज है, तो मैं जाता हूँ अब, और आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने प्यार, अब मैं जाता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना।